प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कक्षा थर्ड विषय हिंदी में लेसन टू के क्वेश्चन आंसर किए थे, आज उसी के दौरान हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पीछे किया था, सोच समझकर बताइए और लिखित में सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। ये हमने पिछले वीडियो में हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे कौवा कहाँ रहता था, कौवा नदी के किनारे पेड़ पर, कौवे की दोस्ती किससे हुई, बगुले से, मछली पकड़ने में कौन माहिर था, बगुला। इसी तरह लिखित में हमने जो सही था उसके सामने सही का टिक लगाना था। कौवा प्रतिदिन कहाँ रहता था, इसका आंसर था पेड़ पर। कौवा रोज किसे नमस्कार करता था, हाथी को, सूरज को, बगुले को, तो बगुले को। और कौवे की चोंच किस में उलझ गई, बैलों में, काई में और दोनों में, तो इसका आंसर दोनों काई और बैलों में दोनों में उलझी थी। यहाँ तक हमने कर लिए थे। अब आज आगे उसके बाद में है सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। पहला देखो, इसने दे रखा है मछलियाँ, दूसरा मुश्किल, तीसरा निगाहें, फिर कौवे, आसमान। अब देखो, एक दिन कौवा खालिस्तान में उड़ा, तो खालिस्तान में मैंने भरा है आसमान में उड़ा। एक दिन कौवा आसमान में उड़ा, तो फिलअप पहले फिलअप में आसमान आएगा। दूसरा है, दूसरे फिलअप, फिलअप की चोंच काई और बैलों में उलझ गई, तो किसकी चोंच काई और बैलों में उलझ गई, तो इसका आंसर होगा कौवे। फिलअप में क्या आएगा, कौवे, कौवे की चोंच काई और बैलों में उलझ गई। इसका गै नंबर, बगुले ने बड़े खालिस्तान यानी रेगिस्तान से कौवे को पानी से बाहर खींचा, तो इसमें मछलियाँ आएगा, मुश्किल आया, निगाह आएगा, तो आएगा मुश्किल से। बगुले ने बड़ी मुश्किल से, मुश्किल आएगा गै नंबर में मुश्किल। बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन उसकी खालिस्तान नीचे रहती, रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान नीचे रहती, तो रेगिस्तान में क्या आएगा, देखो आसमान आ गया, कौवे आ गया, मुश्किल आ गया, तो क्या बचा, निगाह है और मछलियाँ दोनों बची, तो चौथे में क्या आएगा, निगाह है, यानी बगुला आकाश में उड़ता लेकिन उसकी जो नज़र है वो नीचे रहती, तो निगाह है। अब है बगुला रेगिस्तान पकड़ने में माहिर था, बाकी सारे आ चुके हैं, बचा क्या, मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। अब है सही मिलान कीजिए। पहला है माहिर, माहिर के सामने आपको दो नंबर, तीन नंबर मिलान करना, निपुण, माही का अर्थ होगा निपुण, माही के सामने निपुण, और फौरन, कह का थर्ड के साथ मैचअप मेल करना है निपुण, फौरन का होगा शीघ्र, पांच नंबर के साथ मिलान करना है। फिर है गै फुर्ती का तेजी होगा एक नंबर के साथ, अक्ल का दो नंबर के साथ में, अक्ल बुद्धि या दिमाग। उसके बाद अड़े कोशिश प्रयास, तो माहिर का हो गया निपुण, फौरन का शीघ्र, फुर्ती का तेजी, अक्ल का दो नंबर का बुद्धि, और कोशिश का प्रयास। तीन नंबर क्वेश्चन सही मिलान कीजिए वाला हो गया फर्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन रेगिस्तान वाला था, रेगिस्तान वाला बच्चों समझ में आ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौवे, कै नंबर क्वेश्चन है, कौवे और बगुले में दोस्ती कैसे हुई, तो इसका आंसर लिखना है बच्चों, कौवे और बगुले में दोस्ती कैसे हुई। आपको पता है कौवा नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था और वह रोजाना नदी के किनारे जाता था और बगुले को नमस्कार भी करता रहता था,
तो आपस में दोनों मिलते रहते थे, आपस में मिलने के कारण तो इसका आंसर होगा प्रतिदिन के आपसी मेल जोल से, प्रतिदिन के आपसी मेल जोल से कौए और बगले में दोस्ती हुई, प्रतिदिन के आपसी मेल जोल से कौए और बगले में दोस्ती हुई। अब खै नंबर, बगुला मछली कैसे पकड़ता था, बगुला मछली कैसे पकड़ता था, इसका उत्तर है बगुला कैसे पकड़ता था, आकाश में उड़ता रहता लेकिन उसको अपनी जो नज़र थी वो नीचे धरती पे रखता और जैसे उसे पानी में मछली दिखाई देती तुरंत वो तेज़ी से पानी की तरफ आता, अपनी चोंच पानी में डालता, पाँव ऊपर रखकर उनको पकड़ लेता। तो इसकी तरह अपनी लंबी चोंच पानी में डालकर, अपनी लंबी चोंच पानी में डालकर और पैर ऊंचे रखकर, अपनी लंबी चोंच पानी में डालकर और पैर ऊंचे रखकर बगुला मछली पकड़ता था। दूसरे का सुनो, फिर सुनो, बगुला मछली कैसे पकड़ता था, अपनी लंबी चोंच पानी में डालकर और पैर ऊंचे रखकर बगुला मछली पकड़ता था। कौवा पानी में क्यों डूबने लगा, कौवा पानी में क्यों, क्योंकि कौवे ने भी उस बगुले की नकल करने की कोशिश की, उसने भी ये चाहा कि मैं भी बगुले की भांति मछली पकड़ लूँगा, तो वो भी ऊपर आकाश में उड़ा और बगुले की नकल करते हुए एकदम तुरंत से तेज गति से पानी की तरफ आया, लेकिन उसकी जो चोंच थी वो काई और बैलों में उलझ गई और उलझने के कारण वो पानी में डूबने लगा। ये तो सब उस बगुले ने देख लिया था, इसलिए उसने कौवे को बचा लिया। तो अब इसका आंसर ये बनेगा, कौवा पानी में क्यों डूबने लगा, कौवे की चोंच काई और बैलों में उलझने के कारण कौवा पानी में डूबने लगा। कौवे की चोंच काई और बैलों में उलझने के कारण कौवा पानी में डूबने लगा। तो प्रिय बच्चों, ये चौथे क्वेश्चन के तीनों आंसर हमने आज किए। अब आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। जैसे गोला आपको रेड अक्षर में दिखाई दे रहा है, इसी तरह से जो शुद्ध शब्द है उस पर गोला लगाना है हमें। जैसे नमस्कार, दूसरा नमस्कार, फिर नमोस्कार, फिर नमस्कार, नमस्कार, तो सही शब्द होगा दो नंबर होगा नमस्कार, जो मैंने आपको ब्लू रंग में दिखाई दे रहे हैं, ब्लू चक्कर में पूरा दिखाई दे रहा है वो सही है। तो सही शब्द होगा नमस्कार। फिर मछलियाँ, 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 मछलिए, तो मछलियाँ, 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 मछलिए, तो सही शब्द होगा मछलियाँ, मछलियाँ, तीन नंबर मछलियाँ, मछलियाँ होगा। उसके बाद में तीसरा नंबर है मुश्किल, 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 तो सही शब्द होगा मुश्किल, मुश्किल होता है कठिन, पहला मुश्किल, थर्ड का पहला। चौथा है आसमान, 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 तो सही शब्द होगा आसमान, सही शब्द क्या होगा आसमान। एक बार फिर देख लो, पहले में शुद्ध शब्दों में नमस्कार दो नंबर, मछलियों वाले में तीन नंबर मछलियाँ, तीसरे में मुश्किल में पहला मुश्किल, चौथे में आसमान। अब है छठा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए। ये जो मैंने वाक्य बनाई है ये आप अपनी भाषा में भी वाक्य बना सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे मुश्किल शब्द दिया, इसका प्रयोग हमें करना है, उसे कार्य मुश्किल लगा, ठीक है, वह मुश्किल से अपना कार्य कर पाता है। तो इस पर मुश्किल में देखो, कौए ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, यहाँ पे मैं इस पाठ के आधार पर मैंने वाक्य प्रयोग किया है, कौए ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तो आप कर सकते हैं कि उसने अपना काम बड़ी मुश्किल से किया। फुर्ती, हमें अपने कार्य में फुर्ती का है, हमें अपने कार्य में फुर्ती रखनी चाहिए, हमें अपने कार्य में फुर्ती रखनी चाहिए।
उसके बाद में नमस्कार, हमें बड़ों को नमस्कार बोलना चाहिए या हमें बड़ों का नमस्कार कहनी चाहिए। कुछ भी शब्द बना सकते हैं, अपनी निजी भाषा में लिख सकते हैं, हमें बड़ों को नमस्कार बोलना चाहिए। ठीक है, दोस्ती, दोस्ती का है, दोस्ती शब्द का कोई और बगले में दोस्ती हो गई, यहाँ पे कोई और बगले में दोस्ती हो गई, यहाँ पे दोस्ती शब्द का प्रयोग हुआ, कौए और बगले में दोस्ती हो गई। अब भोजन, वह भोजन करता है, ठीक है, उसे भोजन अच्छा लगता है, कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कौए को रोजाना भोजन मिलने लगा, कुछ भी शब्दों का अपने जो आपको अच्छा लगे उन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने गृह कार्य करते से अपने पेरेंट्स का सहयोग अवश्य लें और कार्य को साफ सुथरा करें। जैसे मुश्किल का मैंने बनाया है, कोई ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। फुर्ती, हमें अपने कार्य में फुर्ती रखनी चाहिए। नमस्कार, हमें बड़ों को नमस्कार बोलना चाहिए। और कौए और बगले में दोस्ती हो गई, कौए और बगले में दोस्ती हो गई। चौथा है भोजन, कौए को रोजाना भोजन मिलने लगा। तो प्रिय बच्चों, आज हमने क्वेश्चन लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन 6 कर लिए हैं। इस लेसन के जो बकाया क्वेश्चन बचे हैं, बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन हैं, हम उस नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप अपना गृह कार्य साथ साथ में पूरा करें और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें। कार्य सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।